हाय एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ekaksha। और आज हम करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, लेकिन आज हम सिल्क की प्रॉपर जो प्रोसेसिंग होती है जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर यानी सिल्क मॉथ की फार्मिंग करना, उसकी खेती करना। खेती इसकी क्यों जाती है, जिस तरह से जैसे जो शीप्स होती हैं उनकी खेती क्यों की जाती है, उनकी फार्मिंग क्यों की जाती है, उनकी फार्मिंग की जाती है उनकी बॉडी से क्या, कौन सा फाइबर लेने के लिए, वूल जिससे बनता है उस फाइबर को। इसी तरह से जो सिल्क मॉथ है उससे बनता है सिल्क, और इस सिल्क को पाने के लिए इनकी क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है। और इसलिए फार्मिंग क्या होती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, सेरीकल्चर। तो ये आपका जो चैप्टर है नंबर 3 है क्लास 7 का, फाइबर टू फैब्रिक। और ये होता है जिस तरीके से वूल होता है एनिमल फाइबर, इसी तरह से सिल्क भी क्या होता है, एनिमल फाइबर, जो कि काफ़ी कलरफुल कपड़े बनाने के काम में आता है। अगर आपने अपने घरों में अपनी मदर को या घर में जितने भी फीमेल्स हैं उनके पास सूट, साड़ी सिल्क के देखे होंगे। ओरिजिनल सिल्क जो होता है वो काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन यहाँ बेसिकली हम आज बात जो कर रहे हैं वो सिल्क है मलबेरी सिल्क, क्योंकि वो मलबेरी एक जो शहतूत का पेड़ है उस पर रहने वाला जो वॉर्म है, सिल्क वॉर्म, उससे ये बनता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होता है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। इस टर्म को ध्यान रखेंगे। दिस इज जिस तरीके से हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग होती है जिसमें मुर्गियों का पालन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे वॉर्म्स जो होते हैं, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, उनका रेयरिंग होती है, यानी पालन होता है, उनका पालन पोषण होता है और प्रॉपर एक बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस होता है वो होता है आपका सेरी कल्चर करना, यानी कि उस वॉर्म को कल्चर किया जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वो बहुत सारे अंडे एक बार में देती है। मैंने, आप इस वीडियो से पहले उसका लाइफ साइकिल भी देख लीजिएगा। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ। उन एग्स को अच्छे से स्टोर किया जाता है और उस एग को एक अच्छी कंडीशन में रखा जाता है जिससे उसमें प्रॉपर क्या हो, कैटरपिलर्स बाहर हैच होके आ सकें। तो प्रॉपर कंडीशन होती है भाई। बहुत सारे एग्स होते हैं जिनको पत्तों पर रखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है कि प्रॉपर टेम्परेचर उतना है नहीं, ह्यूमिडिटी बना के रखी जाती है। ठीक है, तो एक बार उनको वो अच्छी कंडीशन मिल गई, उसके बाद उनकी हैचिंग हो जाती है। हैचिंग होने के बाद में वो जो लार्वा है, जो वो कैटरपिलर है, उसे क्या चाहिए, उसे खाना चाहिए। ठीक है, और खाने में वो सिर्फ क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं। जो फ्रेश लीव्स होती हैं, जो बिल्कुल कच्ची पत्तियां होती हैं, उनके जो लार्वा हैं उनको एक एक करके एक जगह पे प्रॉपर बैम्बू की बास्केट पे रख दिया जाता है और उनको क्या डाल दिया जाता है, मलबेरी लीव्स डाल दी जाती है। देखिए आगे पिक्चर्स आएंगे, उनको आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैच हो गया, उनको फ्रेश क्रॉप्स ऑफ लीव्स डाल दी। अब उन्होंने खाना स्टार्ट किया। उन लार्वा ने जब खाना स्टार्ट किया तो उनकी क्या है, साइज उनका इंक्रीज होता जाता है रेगुलरली। और उसके बाद वो क्या करते हैं, खाना कर देते हैं बंद। और खाना जब बंद कर देते हैं तो उनको एक बैम्बू ट्रे में प्रॉपर, जिसके अंदर छोटे छोटे कैविटीज बने होते हैं, उनके अंदर उनको सेट कर दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in a tray to spin cocoons। क्योंकि अब उनसे हमें क्या करवाना है, काम करवाना है। क्या काम करवाना है, उनसे हमें सिल्क चाहिए भाई। उन्हें खिला दिया, पिला दिया, अब तो सिल्क बनाओ हमारे लिए। तो क्या करते हैं, सिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं और अपने आप को एक कोकून में कैद कर लेते हैं। कोकून देखिए क्या होता है, डीपली मैंने बताया आपको, उसके लाइफ साइकिल में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इनको अलग सेपरेट रख दिया जाता है और ये अपने आप में क्या करते हैं, कोकून बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाना बंद कर चुके होते हैं। अब इनको अपना डेवलपमेंट करना होता है, तो किसी भी उससे अटैच हो जाते हैं, या तो स्मॉल रैक्स होती है, ट्विक्स, यानी किसी भी प्लांट की, या तो वो जो मलबेरी ट्री उसी की बहुत सारी टहनियाँ यहाँ पे रख दी जाती हैं, तो जिससे वो अटैच हो जाए। उसके बाद क्या होता है, वो जो सिल्क वॉर्म है वो अंदर डेवलप होता है सिल्क मॉथ के अंदर। लेकिन सिल्क के लिए हमें उसको डेवलप नहीं होना देना होता है। उस कोकून को क्या कर लिया जाता है, ले लिया, उन कोकून को मतलब अपने पास रख लिया जाता है। हमें उसमें से, कोकून से, ये कोकून है, कोकून से हमें मॉथ नहीं बनने देना होता है। उसी से पहले उन्हें क्या किया जाता है, उनका तोड़ लिया जाता है। समझ लीजिए इस तरह का काइंड ऑफ, जिस तरह से खेती की। तो हम क्यों, क्योंकि हमें ये क्या चाहिए, हमें ये सिल्क चाहिए। अगर इसमें से मॉथ बाहर निकल जाएगा तो ये तो 2 पीस में कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो सिल्क तो खराब हो गया, जो इसका फाइबर है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो द कोकून्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, यानी उनको क्या किया जाता है, गर्म पानी में या तो उबाल दिया जाता है। अब क्या होंगे, जो सिल्क फाइबर थे जो टाइट हो चुके हैं वो गर्म पानी के मिलने से सेपरेट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, यानी अब उनका क्या काम है, इस कोकून में जो इतना सिल्क लपेटा गया है उस लार्वा ने, उस कैटरपिलर ने, ठीक है, उस सिल्क को खोलना क्या होता है, रीलिंग द सिल्क, क्योंकि वो फाइबर जब बहुत कई मीटर्स में लंबा होगा तभी तो आप उसके कपड़े बना पाएंगे। डन स्पेशल मशीन्स, आप ये मशीन्स भी दिखा देती हूँ, चलिए पहले वही दिखा देते हैं। देखिए वापस से रिपीट करते हैं, ये फीमेल सिल्क है, सिल्क मॉथ है, इसने क्या किए, अंडे दिए। अंडे देने के बाद में ये इनमें से लार्वा बाहर आया जो कि क्या खा रहे हैं, शहतूत के पत्ते या मलबेरी लीव्स को लगातार खा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इनको ये देखो खाना डाला जा रहा है, उसके बाद जब ये अपने पूरे साइज में आ जाते हैं तो इनको इस तरह से बैम्बू की एक ट्रे में डाल दिया जाता है, जिसमें ये देखो ये छोटे छोटे चैम्बर्स, टाइनी चैम्बर्स होते हैं, जिससे कि यहाँ पे आराम से कर अपना क्या कर सके, कोकून में डेवलप हो सके, अपने चारों तरफ एक कवरिंग कर सके, ठीक है। इस तरह से कवरिंग कंप्लीट हो जाती है। इनके लिए प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, सब चीज मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि एक तरह की क्या हो रही है, खेती हो रही है, एक फार्मिंग हो रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेरीकल्चर, यानी सिल्क को बनाने की विधि। तो यहाँ पे देखो ये कोकून दिख रहे हैं, ये बास्केट्स में ये रेडी हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, इनका कलेक्शन किया जाता है, ठीक है भाई, आप इनको प्रॉपर, अब सिल्क तो ये देखो इनको सबको यहाँ से निकाल लिया जाता है प्रॉपर टाइम में, नहीं तो क्या होगा, अगर इसको टाइमिंग से नहीं किया जाएगा तो इसमें से तो वो जो मॉथ है वो कट करके इसको भाग जाएगा और पूरा सिल्क खराब हो जाएगा। इस तरीके से इनका कलेक्शन किया जाता है। देन उसके बाद कोकून्स को बॉइल किया जाता है अनविंड करने के लिए, यानी जिससे इसके जो रेशम के धागे हैं, जो सिल्क के जो स्ट्रैंड्स हैं, वो बिना टूटे अलग हो जाए, देखिए इस तरीके से। लेकिन अब यह काम बहुत बड़ी मशीन्स में होता है, ये बहुत मतलब पहले किया जाता था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसके बाद ये देखो इस तरह से रीलिंग की जा रही है, बड़े बड़े धागे यहाँ पे लपेटे जा रहे हैं और रील किया गया उनको। उसके बाद जो वीवर्स होते हैं, जो बुनने वाले जो कारीगर होते हैं, वो इस तरह से कपड़ों के थान बना दिए जाते हैं। फिर इनको जो टेलर होता है वो अपने अकॉर्डिंग या तो साड़ी बनती है या सूट्स बनते हैं या रॉ मटेरियल बिकता है, इस तरीके से बेचा जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क, यानी सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला, कहाँ पता चला कि यार इसमें से सिल्क भी होता है। तो भाई क्या हुआ, चीन के अंदर एक बार एक जो रानी थी वो ये सोचती थी, उसने अपने किंग को ये बोला, क्वीन ने, कि भाई ये जो अपने गार्डन में जो शहतूत का जो पेड़ लगा हुआ है, मलबेरी ट्री लगा हुआ है, इसके पत्ते कहाँ चला जाते हैं, कौन खा जाता है इन पत्तों को। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि पता लगाओ कि क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, एक दिन रानी वहां पर उस पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी, तो उनकी चाय में जो ये कोकून है वो नीचे गिर गया उनकी चाय के अंदर। तो चाय थी गर्म, तो उसमें क्या वो जो धागा था वो काफी अच्छे से निकल गया और उनके हाथ में स्ट्रैंड्स आ गए और वो बहुत सॉफ्ट, उन्होंने अपनी फिंगर में लपेटना चालू किया तो उनको ऐसे काफी गरम गरम फील हुआ और उनको पता चला कि अरे ये तो बहुत ज्यादा स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब एक स्टील का जो एक पतला वायर होता है उतना स्ट्रांग है ये। तो वहां पे, और इस चीज को उन्होंने काफी सालों तक चाइना से बाहर नहीं आने दिया और छुपा के रखा और बाद में ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे पता चलने पर फैल गया और ये सेरीकल्चर किया जाता है। तो ये है आपका सेरीकल्चर वाला टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। बाय बाय।